YouTube चैनल एबी एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी चैप्टर सीक्वेंस नंबर 5 देखेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखियो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन, जिसमें कह रहा है एक्स के पावर एक्स है प्लस एक्स के पावर ए है प्लस ए के पावर एक्स है प्लस ए के पावर ए है फॉर सम ऑफ द फिक्स्ड ए ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, राइट। ये चीज को समझ में आ रहा है। तो देखिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, लॉग लगाकर उसे सोल्व कर दिया जाता था, डिफरेंशिएट कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ बीच में प्लस के साइन है तो आप लॉग नहीं लगा सकते, आप लॉग नहीं लगा सकते। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो लॉग लगाकर उसे डिफरेंशिएट कर दिया जाता था, लेकिन अगर बीच में प्लस का साइन आ जाए तो आप लॉग नहीं लगा सकते, ये कोई रूल नहीं होता है। तो देखिए सर कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए तो सिंपल सा कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर ए प्लस ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर ए लिखेंगे, राइट। यहाँ पर क्या मानेंगे, अगर ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो और बीच में प्लस का साइन है तो डिफरेंशिएट तो नहीं होगा, तो हमें क्या वेरिएबल का पावर वेरिएबल को क्या मानना पड़ेगा, u भी मान सकते हो, तो हम u मान लेते हैं, x के पावर x को u मान लेते हैं, बाकी सब सही लिख देते हैं, राइट। बाकी कॉपी है, x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a, राइट। आप देखिए यहां डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस इसका डिफरेंशिएशन a के पावर, तो यहां पर ax और ये पावर होता है जो माइनस में मिस सब्ट्रैक्ट हो जाता है प्लस। अब ध्यान से समझिएगा मैं बता रहा हूं, सो यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है यहां पर a के पावर x का, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a के पावर x log a हो जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएंगे। तो समझिएगा ध्यान से, a के पावर x log यहां पर कर सकते हैं a हो जाएंगे, राइट। और इसका देखिए तो ध्यान से, ये वाला टर्म का ये कांस्टेंट है तो ये जीरो होता है इसका डिफरेंशिएशन, राइट, तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, राइट, आई थिंक तो समझ में आया। अब क्या माने थे दोस्तों, u बराबर हम क्या माने थे, u बराबर हम लोग माने थे क्या, सोच समझिएगा, u बराबर हम माने थे एक्स के पावर एक्स, एक्स के पावर एक्स माने थे, राइट। अब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें दोनों साइड लॉग लगाएंगे, लॉग u इक्वल टू यहां पर हो जाएगा लॉग यहां पर एक्स के पावर एक्स हो जाएगा, समझा रहा होगा आई थिंक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ क्या क्या हूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया हूं। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर देखिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग यहां पर लॉग u इक्वल टू इसका पावर रहता तो यहां पर कैसे, जैसे यहां पर एक और चीज देखिएगा, अगर यहां पर लॉग m के पावर अगर n, लॉग m के पावर अगर n हूं, इसके लिए मैं कर रहा हूं लॉग m के पावर n हूं, तो पावर हो जाता जो पहले लिखा था लॉग m बन जाता है, आई थिंक ये तो समझ में आता होगा। तो यहां पर इसी तरह से पावर ये पहले लिखा जाएगा, लॉग हो जाएगा log x हो जाएगा, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब इसके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर समझिएगा 1 बाई यू डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएशन देखिए u और v प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल यहां पर लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसका u मान लेते हैं, इसको v मान लेंगे, राइट, इसको u मानेंगे और इसको log x को v मानेंगे, तो प्रोडक्ट रूल लग रहा तो यहां पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, इसको u माने, देखिए हम करते हैं थोड़ा समझाकर आप लोग का, यहां पर क्या करेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो u को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो v बाहर निकलता तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, log x, ठीक है, log x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x का प्लस। उसके बाद ध्यान से समझेगा, अब इस टर्म को हम v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x वाला टर्म बाहर, u वाला टर्म बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखिए तो इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इसको पूरे को क्या पढ़ सकते हो आप, इस पूरे को log x पढ़ो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1 बाई x होता है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा दोस्तों, यहां पर बचा 1 बाई u du by dx इक्वल टू log यहां पर x प्लस 1 बचा, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए थोड़ा मैं इसे इरेज करता हूं उधर वाला टर्म को, कोई जरूरी इसका नहीं है, ठीक है। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख सकते हो आप कैसे यहां पर बनाए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए इसके बाद मैं आगे से फर्दर सॉल्व करता हूं, इसके बाद आगे देखिए किस तरह से सोल्यूशन होंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। यहां पर देखिए क्या हो जाएंगे, आया क्या हमारा 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन आया। अब देखिए ध्यान से लॉग एक्स प्लस वन आया, अब इस टर्म को हम उधर भेज देते हैं, तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, ध्यान से समझिएगा, यहां पर आया है, यहां पर सिंपल सा कर सकते हो आप इस चीज को, तो आप इस चीज को करो क्या सिंपल सा कर सकते हो, यहां पर इसको u हो जाएगा, उसके बाद बन जाएगा यहां पर दोस्तों log x प्लस वन बन जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, दिक्कत नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप इस टर्म को इसमें रख सकते हो ना, देखो तो ध्यान से u के जगह पर क्या रख सकते हैं, ई वाला टर्म यहां पर रख सकते हैं, ठीक है ना, ई वाला टर्म को हम यहां पर कर सकते हैं, u बराबर ई वाला टर्म को हम यहां पर यूज करके रख सकते हैं। तो देखिए तो यहां पर आ गया, अब इसको सिंपल सा कर सकते हो आप, सिंपल सा यहां पर कर देते हैं dx इक्वल टू u के जगह पर क्या रखेंगे x के पावर x, यहां पर हो जाएगा log x प्लस वन। आई थिंक यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए तो ध्यान से यहां पर तो मैं लिख दिया हूं, अब इस टर्म को यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या है dy/dx x के पावर x log x प्लस वन, इस टर्म को यहां पर हम यूज कर सकते हैं, इस जगह पर क्या कर सकते हैं, इस जगह पर मैं यूज कर सकता हूं, यहां पर देखिए इस जगह पर मैं यूज कर सकता हूं dy/dx, यहां पर इसको जगह पर लिख सकते हैं dy/dx के जगह पर क्या रख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिख सकते हैं कि x के पावर x log x प्लस वन रख सकते हैं इसके जगह पर। तो देखिए डायरेक्टली मैं यूज कर देता हूं, क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है dy/dx इक्वल टू इसके जगह पर मैं रख रहा हूं, देखिए ध्यान से इसके जगह पर du/dx प्लस इसके जगह पर क्या रखेंगे x के पावर x, यहां पर हो जाएगा log, ठीक है x प्लस वन, ठीक है, उसके बाद प्लस a के पावर, यहां पर देख सकते हैं a माइनस वन, प्लस यहां पर हो जाएगा, यहां पर सिंपल सा a के पावर x log ए हो जाएगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको पहले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।